महोदय, मैं माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा रखे गए इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे पास उतना समय भी नहीं है कि मैं इस बिल की खूबियों की चर्चा भी कर सकूं, लेकिन केवल दो सुझाव रखना चाहूंगा। ये कहते हुए कि पहला नंबर एक तो ये है कि जिस तरह से आपने सुरक्षा की चिंता की है और जिस तरह लाइसेंस बनाने की जो प्रक्रिया है उसको ट्रांसपेरेंट किया है, उसको आसान भी किया है और सख्ती भी की है, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां एक बार ऐसा भी वाकया हुआ था कि लिट्टे का एक आतंकवादी प्रभाकरण का भी लाइसेंस बिहार से ही इशू हुआ था। इसलिए आपने इस पर सख्ती की है, ये बहुत ज़रूरी है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ओवरलोडिंग की समस्या है, इससे केवल नुकसान ही नुकसान है, केवल राजस्व का नुकसान नहीं है। इससे सड़कें खराब होती हैं, प्रदूषण होता है, दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। अभी तक जो प्रावधान है कानून में वो यही है कि ओवरलोडिंग कोई गाड़ी करती है तो उसके चालक और उसका जो ओनर है उसी को केवल फाइन होता है, लेकिन इससे समस्या का समाधान हो नहीं रहा है। ओवरलोडिंग की समस्या कम नहीं हो रही है। मैं कहना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से कि ओवरलोडिंग की समस्या तब कम होगी जब इसके लिए जिस क्षेत्र से वो गाड़ी गुजरती है, ओवरलोडेड गाड़ी गुजरती है, वहाँ के SHO, वहाँ का RTO, वहाँ का DTO उस जिले का, साथ साथ पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी को भी इसके लिए जिम्मेवार बनाया जाए, तब जाकर इस समस्या का समाधान हो सकता है। मेरा दूसरा सुझाव ये होगा कि माननीय मंत्री जी ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को कंपलसरी किया है, मैं इसका भी स्वागत करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, किसान अधिक हैं, किसान अपने ट्रैक्टर को जब खरीदते हैं तो पहली बार तो वो इंश्योरेंस करा लेते हैं, बैंक उनका इंश्योरेंस कर देता है क्योंकि बैंक का लोन होता है, लेकिन उसके बाद उनका इंश्योरेंस नहीं होता। एक आधा मिनट में खत्म कर रहा हूँ। जागरूकता के अभाव में या धन के अभाव में वो नहीं करा पाते। इसी तरह से बाइक खरीदने वाले नौजवान भी इंश्योरेंस का रिन्यूअल नहीं कराते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उसकी कीमत पे ही एकमुश्त राशि जोड़ दीजिए, जो जिस तरह से वन टाइम टैक्स का प्रोविजन है उसी तरह से एक बार ही पूरी राशि ले लीजिए और वो इंश्योर्ड हो गाड़ी, वो ट्रैक्टर इंश्योर्ड हो, वो बाइक इंश्योर्ड हो, कवर हो जाए, ताकि दुर्घटना होने पर उनको स्वयं इसका मुआवजा नहीं देना पड़े उस किसान को या उस नौजवान को, कंपनी उसको दे। यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय